All right. Yeah. मेरा बहुत ज़्यादा ही लास्ट मिनट एंट्री हुआ है क्योंकि मैं शूट कर रही थी. मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी मैं आने वाली हूँ या नहीं आने वाली हूँ. मैंने आधे घंटे पहले ही सबको इन्फॉर्म किया कि मैं आने वाली हूँ. सो आई डोंट नो, मुझे अंदर जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला है. लेकिन मैं यहाँ बेसिकली अपने छलांग के करंट प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने आई हूँ क्योंकि धड़कन उनका प्रीवियस शो नॉमिनेट हुआ है. तो एट द सेम टाइम मैं बहुत अपने पुराने फ्रेंड्स से रीयूनाइट होने के लिए एक्साइटेड हूँ. थोड़ा सा टाइम अपना अपने फ्रेंड्स और बाकी सारे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने आई हूँ और एक फन इवनिंग एंजॉय करने आई हूँ. इसलिए मैं आज ड्रेसअप भी ज़्यादा हुई नहीं हूँ. मैं बहुत सिंपल अटायर में आई हूँ ताकि मैं चिल कर सकूँ आज बिल्कुल. बात करें आपके अभी के शो के सपनों के सलाम जी, बेहतरीन कर रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे. कितना एमएन लगता है वो ऐसे वो नहीं रहा आपको प्रेजेंट करने के. सपनों की छलांग आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट छलांग रहा है. लेकिन क्योंकि पहली बार एज एन आर्टिस्ट मैं एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन पाई हूँ जो एक आम लड़की की ज़िंदगी को डिपिक्ट कर रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारी नॉर्मल लड़कियाँ कनेक्ट कर पा रही है इस शो से, जो अपने सपनों को फॉलो करना चाहती है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि शायद उन्हें अलाउ नहीं कर रहे पेरेंट्स या कोई और दिक्कत है लाइफ में. सो आई जस्ट होप इस शो के माध्यम से हम उन हर घर में पहुंच पाए, उन हर उस हर दिल में पहुंच पाए कि वो अपने सपनों की छलांग ले सके. एज एन एक्टर आई थिंक आई एम ओपन टू एवरीथिंग दैट कम्स माय वे. लेकिन अब मुझे थोड़े अलग शेड्स एक्सप्लोर करने हैं क्योंकि आई थिंक एक सिंपल लड़की के बहुत सारे शेड्स मैंने एक्सप्लोर कर लिए. आई वांट टू डू सम एक्शन, आई वांट टू डू सम थ्रिलर्स, आई वांट टू ट्राई डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ इट्स इन द डार्क साइड. आई डोंट माइंड. Thank you so much.